यो मीना, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल एनिमा सक्स। तो गाइज, आज की वीडियो का टॉपिक है, इज हिगुरुमा हैव पोटेंशियल टू बिकम नेक्स्ट गोजो। जुजुत्सु काइसन अभी कलिंग गेम आग के बीच में है और अभी तक हुई फाइट्स में बहुत मजा आया है, और खासकर गोजो और सुगुने की बैटल और उसके बाद भी कई आंखें फाड़ फाड़ देखने वाली बैटल चल रही हैं। और अब इस आर्क की और एक बिगेस्ट बैटल चल रही है जिसमें सुगुना अपने बेस्ट पे है, बट सरप्राइजिंगली एक बंदा जो गोजू जितना टैलेंटेड है वो फाइट में उतर चुका है, दैट इज नन अदर देन हिरोमी हिगुरुमा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हिगुरुमा को सबसे पहले कलिंग गेम आर्क में इंट्रोड्यूस कराया था, और वो जुजुत्सु काइसन के उन बंदों में से एक है जिसे कर्स टेक्निक केंजाकू की वजह से मिली थी, आइडल ट्रांसफिगरेशन को यूज करके। ज्यादातर बंदों को जो इस टेक्निक से पावर मिलती है वो कुछ खास स्पेशल नहीं होते, बट कुछ बंदे हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। आउट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स केंजाकू को यकीन था कि हिरोमी सबसे दिलचस्प है, और हिरोमी ने केंजाकू की अटेंशन को गेन कर लिया, बट अभी तक हमें हिरोमी की फुल पावर शो नहीं हुई है रिसेंटली सीरीज में। जब काशिमो और सुकुना की बैटल हुई तब यूजी के साथ मिलकर हिगुरुमा ने अपनी इनक्रेडिबल पावर शो की, और इमिडिएटली हिगुरुमा अपनी डोमेन एक्सपेंशन को खोलता है और सुकुना को फोर्स कर पाता है उसके क्राइम्स को कन्फेस करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली सुकुना का कर्स टूल उसका टारगेट बन जाता है। हिगुरुमा तुरंत बैटल ज्वाइन करता है सोचते हुए कि वो सुकुना की कर्स टेक्निक छीन लेगा अपनी कर्स टेक्निक को यूज करके। सिंस वो किसी कर्स टूल यूजर के साथ नहीं लड़ा था तो उसे नहीं पता था कि कर्स टूल भी टारगेट बन सकता है, बट चलो सुकुना से उसका टूल तो अलग हुआ और ये भी एक काफी बड़ी अचीवमेंट थी इसके लिए। और इसके बाद भी हिगुरुमा के पास और भी कई कुछ पावर्स हैं जो उसने शो नहीं किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिगुरुमा के डोमेन एक्सपेंशन की। हिगुरुमा जुजुत्सु काइसन के उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, इसीलिए केंजाकू की भी उस पर नजर थी क्योंकि वो बहुत जल्दी ग्रो हो रहा था। अकॉर्डिंग टू केंजाकू बाकियों के मुकाबले हिगुरुमा अलग है, और ये तब तक था जब तक केंजाकू ताकाबे से नहीं मिला था, जो ऐसा कैरेक्टर था जो हिगुरुमा को सरपास कर सकता था। हालांकि ताकाबे ने केंजाकू को खुश किया बट वो हिगुरुमा के लेवल तक नहीं पहुंच पाया। हिगुरुमा के केस में उसके पास इनक्रेडिबल टैलेंट हमें देखने को मिलता है जब वो डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है, और ये रिसेंटली सुकुना के अगेंस्ट देखने को मिला, और उसकी डीप लॉ की नॉलेज की वजह से उसे कोई भी आउटस्मार्ट नहीं कर सकता। अगर उसने अपनी डोमेन खोल दी तो उसके अंदर कॉम्बैट और फोर्स जैसी चीजें प्रोहिबिट हो जाती है, टारगेट को सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो भी डोमेन एक्सपेंशन के रूल्स हैं। हिगुरुमा के डोमेन एक्सपेंशन का कोई स्पेशल अटैक नहीं है, मतलब उसके अंदर हिगुरुमा खुद भी किसी को अटैक नहीं कर सकता। वो एक शिकिगामी को समन करता है, दैट इज जजमैन, और उसके बाद एक ट्रायल बिठाया जाता है, और अगर डिफेंडेंट गिल्टी पाया गया तो उसे हैवी पनिशमेंट मिलती है जिससे हो सकता है उसका कर्स टूल जब्त कर दिया जाए या फिर उसकी कर्स टेक्निक और इवन डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है। और जिसे डेथ सेंटेंसिंग की सजा मिलती है उसे एग्जीक्यूशनर्स की स्वॉर्ड के द्वारा खत्म किया जाता है जो खुद हिरोमी यूज करता है, और ये स्वॉर्ड किसी भी बंदे को एक ही ब्लो में काट सकती है चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, यहाँ तक कि वो सुकुना ही क्यों ना हो। नो वन कैन सर्वाइव एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड, और ये काफी पावरफुल एबिलिटी है। हिगुरुमा लर्न्स डोमेन एम्प्लीफिकेशन। जितनी भी एबिलिटीज हिरोमी पोजेस करता है वो काफी है उसे स्ट्रांग बनाने में, लेकिन जो चीज उसे जीनियस बनाती है वो है कि हिरोमी सिर्फ 2 महीने में ही ये सब सीख पाया। द फैक्ट दैट कि वो इतने कम टाइम में कर्ड्स एनर्जी को यूज करने में सक्सेसफुल रहा और इतना कॉम्प्लेक्स डोमेन एक्सपेंशन बनाया कि उसने शो कर दिया कि हाउ बिग ऑफ अ जीनियस ही ट्रूली इज। इसलिए केंजाकू ने उसमें कुछ अलग देखा, और अब सुकुना ने भी। ऑल्दो वो सुकुना की कर्ड्स टेक्निक छीनने में फेल रहा पर वो अभी भी लड़ रहा है। प्रीवियस चैप्टर में सुकुना हिगुरुमा को चेस कर रहा था और अपने पावरफुल स्लैशेस छोड़ रहा था, देन ही यूजेस डोमेन एम्प्लीफिकेशन, और उसने पहले कभी भी ये टेक्निक यूज नहीं की थी, बट बीच बैटल में इसे मास्टर करना बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात है, और इससे वो सुकुना के स्लैशेस को काफी हद तक रोक पाया था, और इस वजह से सुकुना भी उसे अप्रिशिएट किया और गोजो और हिरोमी के कंपैरिजन लिखा गया राइटर के द्वारा। हिगुरुमा'स पोटेंशियल टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज गोजो। जुजुत्सु काइसन चैप्टर 246 में नरेटर ने क्लैरिफाई किया है कि हिगुरुमी एक हीरा है जो गोजो के जितना पोटेंशियल रखता है, और ये सुनकर कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोजो जितना पावरफुल है, इसका मतलब ये है कि उसका पोटेंशियल गोजो जितना है और फ्यूचर में वो गोजो की बराबरी कर सके, क्योंकि वो इतने अच्छे से अपनी कर्ड्स एनर्जी और कर्ड्स टेक्निक को पॉलिश कर रहा है। हिगुरुमा और भी ग्रो होगा आगे, अगर वो अच्छे से अपनी स्किल्स को डेवलप करता रहा ऐसे ही तो शायद एक दिन वो गोजो जितना पावरफुल हो सकेगा, मे बी उसे सरपास कर ले, और इसीलिए सुकुना उसे देख के थोड़ा इम्प्रेस हुआ था। और फैंस ऑलरेडी जानते हैं कि गोजो कितना बड़ा जीनियस है, उसने रिवर्स कर्ड्स टेक्निक को मास्टर किया उस लेवल तक कि वो सुकुना को भी सरपास कर जाए,
उसका कर्स्ड एनर्जी और कर्स्ड टेक्निक पे इनक्रेडिबल कंट्रोल है, जो कि कोई मैच नहीं कर सकता पूरी स्टोरी में। हिगुरुमा को अभी काफी लंबा सफर तय करना है, उसे अपनी सारी स्किल्स को मास्टर करना होगा और उसकी कर्स्ड टेक्निक को और भी अच्छे से ओन करना होगा। और जब वो अपनी पावर को अच्छे से मास्टर कर लेगा, तब शायद वो गोजो के लेवल तक आएगा और प्रोबेबली एक लेजेंड भी बन जाए लाइक सुकुना। और ये सब बात भी डिपेंड करती है कि वो सुकुना के साथ बैटल में सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं, पता नहीं क्या किस्मत है उसकी आगे। सो दैट इज इट ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। चलो बॉयज, कांता का बर्थडे था, उसने बर्थडे पार्टी नहीं दी, पीट के आते हैं उसे।